नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और विधानसभा परबत्ता है और ये ग्राम जो है इटहरी है। यहां पर कुर्मी समाज के लोग रहते हैं और कुर्मी समाज के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार खगड़िया में क्या होने वाला है। खगड़िया में बदलाव होगा, बाहरी बनाम जो है क्षेत्रीय होगा या फिर क्या होगा, ये आज पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों से बात कर लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार क्या होने वाला है। क्या कहना चाहते हैं इस बार? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओंकार है जी। इस बार क्या चाचा नजदीक आइए, इस बार क्या मतलब लग रहा है खगड़िया में क्या होने वाला? खगड़िया में क्या होने वाला तो नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे हम लोग यहाँ से हैं, संजय कुशवाहा जी को वोट दे रहे हैं और प्लस में और तेजस्वी जी को हम लोग देख रहे हैं। कुर्मी समाज आखिर क्यों मतलब? कुर्मी समाज की बात नहीं, जाति के समाज। अकेले वो नौजवान 28 साल 30 साल का लड़का पूरे बिहार में पूरे बीजेपी वाला प्रभारी है। अकेले वो पूरे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अब की बार एक बार मुझे मौका दीजिए, एक बार मुझे मौका दीजिए, हम कुछ करके दिखाएंगे। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी को हम अपना मतदान दें। तेजस्वी पर भरोसा है? भरोसा है। क्या लग रहा है कि आएंगे तो डेवलपमेंट होगा क्या? जरूर डेवलपमेंट, नौजवान है, 32 साल 30 साल के नौजवान है, यंग है, जरूर करेंगे कुछ, पूरा भरोसा है। हम लोग तो दिल से है। मंदिर मस्जिद? मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं होता है। आज मंदिर बन गया, वहाँ राम मंदिर बन गया, क्या हम लोग को फायदा? कुछ नहीं होने वाला। राम मंदिर से हम लोग खूब राम राम भगवान को पूजेंगे, कर्म ही नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो क्या राम भगवान हमें पैसा आया कुछ दे देगा खाने के लिए? क्या नहीं देगा? हम कर्म करेंगे, अगर हम कहीं कमा रहे वही हमारे लिए सब कुछ है। राम मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं है इस देश में, तो ये सब बर्बादी है, कुछ नहीं। सभी लोग यही राम हो गया, मस्जिद हो गया, इसमें पूरे देश लगा हुआ अभी। तो हम लोग सही सबसे बेकार है। आपके पास भी आते हैं हम लोग उस चीज को, राम और 300 धारा क्या है उस सब पे हम लोग नहीं वोट कर रहे हैं। हम लोग नौजवान है देश का, तेजस्वी जी और हमारे बिहार का, अकेले बीजेपी पर पूरा भारी पड़ा। लोग विधानसभा में भी पूरे चिल्ला चिल्ला के उसकी कई हेलीकॉप्टर चलता था और अकेले तेजस्वी जी सब पे भारी था। 100% बोल रहे अब की बार भी भारी रहेगा खगड़िया में भी, 100% हमारा उम्मीद है, दुआ करते हैं संजय कुशवाहा जरूर जीतेगा जी। आगे आइए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मानिक चंद सिंह जी। क्या कुर्मी समाज से आप हैं? हाँ यहाँ। अच्छा अच्छा, क्या चाचा लगता है इस बार क्या खगड़िया में होने वाला है? खगड़िया में अभी मूर्ति लोग का है कि कुछ चेंजिंग हो। एक तरफ राजेश वर्मा, एक तरफ संजय कुशवाहा है। हाँ। क्या कहना चाहिए? भारी है संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा भारी है। मुद्दा क्या रहेगा इस बार आप लोग? मंदिर मस्जिद या विकास का मुद्दा? नहीं, विकास का मुद्दा रहेगा, मंदिर मस्जिद जो होने का था हो गया। अच्छा, नीतीश कुमार को आप लोग क्यों छोड़ रहे हैं? नीतीश कुमार तो पुराना हो गए, पुराना हो गए, उनका बैनर सब पुराना हो गया, युवा पे लुकाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे तेजस्वी रहा है वैसे लुकाना चाहिए, डेवलपमेंट के मुद्दा पर काम करें। हाँ, बिहार के डेवलपमेंट के मुद्दा पर युवा पे ही करेगा जी, बड़ा देखे तो। तो संजय सिंह कुशवाहा यहाँ से मतलब जो है आप लोग लीड करवा रहे हैं? हाँ 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 जी। चलिए आइए और कुछ लोग से हम बात कर लेते हैं और क्या है इन लोगों की राय, क्या क्या कहना चाहते हैं इस बार क्या होने वाला? नहीं, इस बार तो चेंजिंग होगा, होना भी चाहिए। नीतीश जी अब बुढ़ापा होंगे तो नया युवक रहेंगे तो देखिए, नौकरी बांटी, 4.5 लाख रुपए में पटना में रहते हैं, हम तो पट्टे रहते हैं, गांव में बगले में डेरा भी है जी। लोग तो यहाँ देखते हैं आपसे द्वारा देखते हैं, हम तो आम से देखे हुए हैं, 4.5 लाख नौकरी बांटा वहाँ पे और रहता तो और अभी तक में बट गया होता कितना में, लमसम 40,000 और बट गया होता अब तक में, ऐसे मतलब नहीं पलटी किया उसके बाद रुक गया काम। रुक गया काम तो ठीक नहीं है। देखिए कोई भी आदमी सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, उस पे देश का राज का भला होगा। क्या करे, मोदी जी करे 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मोदी जी कहाँ दे रहे हैं, तो कांग्रेस से टाइम दे रहे हैं तो मोदी साहब फ्री कर दिया। कांग्रेस उस टाइम था भारत में गरीबी था तो 2 रुपया लेता था, नहीं सर जी 2 रुपया 3 रुपया किलो लेता था।
तो इस बार क्या खगड़िया में संजय सिंह कुशवाहा का लग रहा है क्या? आएंगे, बस आएंगे तो यहाँ का है, आपको है भागलपुर का, आपके घर यहाँ है तो आपको जाने में कितना टाइम लगेगा हमें? यहाँ हम जाएंगे भागलपुर जाएंगे, तो मतलब सीधा बाहरी बनाम जो है अपनी क्षेत्रीय हो जी, बाहरी बनाम अपना जो घर का है तो उनको हम कोई काम पर जाएंगे चल जाएंगे खगड़िया, उतनी टाइम बात है मसीह आते वही पढ़ाते हैं घूमते रहते हैं आज से बहुत दिन से। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना था, हम बहुत सारे लोगों से जब बात किए तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि क्या इतना खगड़िया पूरे इलाके में, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में सिमरी बख्तियारपुर हसनपुर खगड़िया इतना दूर में उसको चिराग पासवान को प्रत्याशी नहीं मिला, क्या सही बात है? देखिए नहीं मिला तो आजकल देख ही रहे पैसा पे, जो पार्टी मतलब वह पैसा पैसा अध्यक्ष राय जी को, वो तो माफिया है सोना तो चार चार वहाँ पटना को है, तो चार गो शोरूम है पटना में सोना का, तो सारे थोड़े आदमी है, वो बहुत स्पेशल आदमी है, 2500 करोड़ कितना करोड़ में बिक गया होगा, चिराग जी दे दिया होगा, अब जनता जाए कहीं जाए पैसा जे मांग। जनता का मन क्या है इस बार? जनता का मन है, देखिए जनता का मन है कि परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए, जो अपना घर का है घर देखेगा, लोग बाहर देखेगा, लोग घर भी देखेगा। संजय सिंह कुशवाहा जी, हम लोग के उन्हीं को वोट देंगे जी। जी आइए और कुछ लोग से बात कर लेते हैं, क्या चाचा इस बार क्या माहौल है यहाँ पर खगड़िया में? परिवर्तन, परिवर्तन हो, परिवर्तन कौन आएगा? बेरोजगारी, अच्छा महंगाई और युवा बेरोजगार, वर्मा इसलिए चेंजिंग। वर्मा जी, संजय जी, संजय जी, हसवा हथौरा तारा छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, सब आता। नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार हमारा चाचा है, हाँ। जात है, हाँ। या दादा कह लेंगे, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, हारने के बाद भी उनको वही बोलेंगे, अभी भी वही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। क्यों, हमारे घर का बूढ़ा आदमी अगर बेकार हो जाए, हाँ। तो बाहर तो फेंकेंगे नहीं, हाँ। रखना तो घर ही में है लेकिन साइड कर देना है, युवा को मौका देना, युवा को मौका देना है। तो इस बार संजय सिंह कुशवाहा, संजय सिंह कुशवाहा, हसवा हथौरा जिंदाबाद जी। तो देखिए यहाँ पर हम मौजूद हैं और आपको साफ तौर पर पहले ही बताए कि ये कुर्मी बहुल्य जो है क्षेत्र है, यहाँ पर इटहरी ग्राम है और लोकसभा जो है खगड़िया है और विधानसभा परबत्ता है, जहाँ से डॉक्टर संजीव कुमार नीतीश कुमार के पार्टी से जो है विधायक हैं, और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है हसवा हथौड़ा छाप यानी कि संजय सिंह कुशवाहा को ये लोग साफ तौर पर देख रहे हैं, और साफ तौर पर यह भी कहना है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, उनको साइड करके युवा को लाएंगे ताकि युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले, इसी मुद्दे पर हम लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।